गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट बेटा क्लास सेवन्थ। आज की क्लास में हम आपको मैथ्स के चैप्टर टू की एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करवाएंगे। चैप्टर टू का नेम है ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स। हम इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल है 8 3/4 एंड -11/4। इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हम 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। हम 4 का डिवाइड करते हैं 4 में तो क्या मिलेगा, 1। 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3, माइनस साइन एज इट इज़। 4 का 4 में डिवाइड 1, 1 का 11 में मल्टीप्लाई 11। अब 11 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, लेकिन नेगेटिव। नेगेटिव साइन क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू नेगेटिव है। बाय 4, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो -2 इसका आंसर रहेगा। एक्सरसाइज 2.1 पर आते हैं हम। एक्सरसाइज 2.1 में हमें क्या करना है, ऐड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आते हैं हम। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, 5/-6 एंड -7/-6। सबसे पहले हमें डेनोमिनेटर को पॉजिटिव करना होगा, तो 5/-6 को हम -5/6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये डेनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा। एंड -7/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 7/6 डेनोमिनेटर इसका भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम एलसीएम लेंगे डेनोमिनेटर का, तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 6, 6 और 6 का हमने एलसीएम लिया तो हमें 6 मिलेगा। तो हम क्या लिख देंगे, नीचे 6 लिख देंगे। अब 6 का 6 में डिवाइड 1, 1 का -5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 6 का 6 में डिवाइड 1, 1 का 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 का 1 में मल्टीप्लाई -5, 7 का 1 में 7, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेगा, बाय 6, 2 वन ज़ा 2, 2 थ्री ज़ा 6, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड है 3/5 एंड -13/5। इसका डेनोमिनेटर पहले से ही पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव ही रहने देंगे। एलसीएम ऑफ 5 एंड 5, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 लिख देंगे हम, 5 का 5 में डिवाइड 1, 1 का 3 में मल्टीप्लाई, प्लस -13, 5 का 5 में डिवाइड 1, 1 का -13 में मल्टीप्लाई, 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3, प्लस -13 का 1 में मल्टीप्लाई 13/5। 13 में से 3 जाएंगे तो 10 बचेगा, बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की, तो माइनस साइन आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, -2 इसका आंसर रहेगा। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, फर्स्ट और सेकंड हमने आपको करा दिया है, थर्ड और फोर्थ आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई, ठीक है। सिंप्लीफाई में हमें क्या करना है, ऐड ही करना है, क्योंकि साइन किसका है, ऐड करने का, ठीक है। तो फर्स्ट पर आते हैं हम। 1/4 प्लस -5/6, 4 और 6 का हम एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 लिख देंगे हम। 4 का डिवाइड करेंगे हम 12 में, 3 मिलेगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई, प्लस -5 इंटू 6 का डिवाइड करेंगे 2 में, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3, 5 -5 का मल्टीप्लाई 2 में -10, 10 में से 3 जाएंगे तो 7 बचेगा, बड़ी वैल्यू माइनस की, तो -7/12। सेकेंड है हमारा 1/3 प्लस 7/-9, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7/9। 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 मिलेगा, 3 3 ज़ा 9, तो 1 में 3 का मल्टीप्लाई माइनस, 9 1 ज़ा 9, 7 में 1 का मल्टीप्लाई, 3 -7/9, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेगा, बड़ी वैल्यू माइनस की, तो -4/9। थर्ड है आपका -3/4 प्लस -5/6, 4 और 6 का आप एलसीएम लोगे तो आपको 12 मिलेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 का डिवाइड करोगे 12 में, 4 3 ज़ा 12, -3 में 3 का मल्टीप्लाई, प्लस -5 एज इट इज़, 6 से डिवाइड करोगे 12 में तो 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10, 10 में 9 को ऐड करोगे तो 19, और माइनस माइनस प्लस होता है, बड़ी वैल्यू माइनस की, तो -19/12 आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हमने आपको करा दिया है, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम कल की क्लास से कंटिन्यू करेंगे।